कि मैं तेरापन संप्रदाय का एक संत हूं, आचार्य महाश्रवण जी का शिष्य हूं और तेरापन संप्रदाय जैन परंपराओं में अगर देखा जाए तो सबसे अंत में जिसका उद्भव हुआ था, और एक छोटा सा संप्रदाय है लेकिन आज वो विकास के मामले में किसी से भी कम नहीं है। तो उसका कारण एकमात्र ये एक ही है कि एक गुरु, एक आचार और एक विचार, जो आचार्य महाश्रवण जी ने कह दिया, 700 साधु साध्या और लाखों अनुयायी एक आवाज के साथ मानते हैं। आज इस एकता के कारण से ही तेरापन धर्म संघ ने जैन धर्म को न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और आज भी भारत के बाहर अनेक संगठन काम कर रहे हैं। तेरापन धर्म संघ का कोई साधु अगर इस संघ से अलग हो जाए, कितना ही प्रभावशाली हो, लेकिन इस संघ से अलग होने के बाद अस्तित्व को खो देता है। कारण यह है कि तेरापन श्रावक समुदाय वह कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करता है। जब साधु समाज अलग हो रहा है और श्रावक समाज अगर उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वे विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर जैन एकता को भी आगे बढ़ाना है तो इसका बहुत बड़ा जो कारण बन सकता है वह श्रावक समाज बन सकता है। श्रावक समाज को देखना होगा, वो बंटे नहीं। कोई भी संत आ जाए, चाहे दिगंबर आ जाए, चाहे श्वेतांबर आ जाए, भगवान महावीर की संत परंपरा है, हिंदू संस्कृति की संत परंपरा है, और सबको सम्मान देना चाहिए और संत मान के उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये काम कुमार नंदी जी जैसी घटनाएं ये कभी हो नहीं सकती है। ये होगी तब जब हम लोग अलग अलग रहते हैं।